हम यहाँ जबल नेशनल डिफेंस नॉन गच्चे स्टाफ एसोसिएशन के सभी सदस्य हैं और जबलपुर की सभी निर्माणियों के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी यहाँ मौजूद हैं। आज हम लोग पिछले जो 2023 में विधानसभा चुनाव हुआ उस पर हमारे निर्माणियों के चार्जमैन और JWM ने अपनी पूरी तन्मयता के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ इस चुनाव को निष्पक्ष संपन्न कराने में मुख्य भूमिका निभाई है। लेकिन जो प्रशासन की ओर से जिला निर्वाचन आयोग का आदेश था कि इनको समय पर मानदेय प्रदान कर दिया जाए, TA/DA दे दिया जाए, उस पर आज तक बहुत अच्छी कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे कुछ साथियों को इस पर चार्ज में मानदेय प्राप्त हुआ है, कुछ चार्जमैनों को मानदेय प्राप्त नहीं हुआ है, जिस पर हमारे साथियों ने पीठासीन अधिकारी से लेकर घर घर मतदान गणना अधिकारी, माइक्रो ऑब्जर्वर जैसे पदों पर काम करते हुए, और कुछ हमारे साथियों ने दो दो तीन तीन ड्यूटियां की हैं, वो माइक्रो ऑब्जर्वर भी रहे, पीठासीन अधिकारी भी रहे, घर घर मतदान में भी उन्होंने गणना में भी रहे उन्होंने काम किया है, लेकिन उनका मानदेय इनको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए हम कलेक्टर महोदय के पास आज यही निवेदन करने आए हैं कि उनका मानदेय शीघ्र अतिशीघ्र दिया जाए, क्योंकि निकट भविष्य में इस साल व्यक्तिगत रूप से यहाँ दो तीन बार मिल चुके हैं, लेकिन जब नहीं हो पाया तो हम वजह क्या बताई उन्होंने ना होने की? विजय उन्होंने वजह नहीं है, उन्होंने ये कहा कि हम कर रहे हैं, इस पे प्रयास कर रहे हैं, इसको हो जाएगा, आप सबका डाटा मिल जाएगा, हम सबका कर देंगे। कितने लोगों का मानदेय होगा, कितना लगभग होगा? कम से कम 300 से 400 चार्जमैनों के ऊपर का मानदेय अभी पेंडिंग है, बल्कि ज़्यादा ही होगा, ये एक मैं रफ फिगर आपको बता रहा हूँ। क्या उम्मीद है आपको कि कब तक हो सकता, क्या है? मुझे काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि जिस प्रकार से कलेक्टर महोदय का सुनने में आ रहा है, उनकी कार्यशैली सुनने में आ रही है, उस हिसाब से मुझे पूरी उम्मीद है कि इस विषय पे हमारी बहुत जल्दी से जल्दी एक ही बात कर रहे हैं। विवेक कुमार शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष NDNGA से। थैंक यू भैया।